faculty. Dear student, in our today lecture, we will discuss about our new topic, the rolling motion of a cylinder on an inclined plane without sliding. तो बेटे ये जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं, सिमिलर टॉपिक आपने सोल के थे, लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन पार्ट में. भाई फ्रिक्शन में हमने स्टडी किया था, अब हम बात करेंगे रोलिंग मोशन की, यानी कि रोटेशनल मोशन की, और लॉज ऑफ मोशन में हमने बात की थी लीनियर मोशन की. तो बेटे फ्रिक्शन में आपने टॉपिक स्टडी किया था, सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया था एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन एंड अप ए रफ इंक्लाइन प्लेन. फिर आपने फाइंड आउट किया था वर्क डन बाय द बॉडी डाउन एंड अप द रफ इंक्लाइन प्लेन. तो बेटे सिमिलर कंडीशन में अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, वहां पे आपने बात की थी लीनियर मोशन की, अब हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन. ठीक है बेटे, हेडिंग बना लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक. आपका होगा रोलिंग मोशन ऑफ ए सिलेंडर, रोलिंग मोशन ऑफ ए सिलेंडर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. बॉडी आप चाहे अपवार्ड लेके जाओ, चाहे बॉडी को डाउनवार्ड लेके जाओ, पर स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है, रोलिंग मोशन ऑफ सिलेंडर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लाइडिंग, स्लाइड नहीं करेगा भाई, ये कंडीशन है नहीं, विदाउट स्लाइडिंग. ठीक है भाई, सो प्यारे बच्चों टॉपिक अच्छे समझना है. बेटे हमें फाइंड आउट करना है रोलिंग मोशन किस सिलेंडर का, प्लेन कैसा है, इंक्लाइंड है, विदाउट स्लाइडिंग, विदाउट स्लिपिंग एंड विदाउट स्लाइडिंग. ठीक है, तो बेटे एक बार क्वेश्चन को अच्छे से उत्तर कर लीजिए. आप सबसे पहले हमें चाहिए क्या, सबसे पहले अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन होना चाहिए. ठीक है, तो बेटे ये सिचुएशन हम बना लेते हैं, ये देखो भाई, ये अपने पास सरफेस हो गया, ग्राउंड हो गया, और ये हो गया कोई इंक्लाइन प्लेन. ठीक है बेटे, बात समझ आ रही है. दिस प्लेन, इसको नाम आप दे दो एपी. एपी हो गया इंक्लाइन प्लेन, और बेटे एसी हो गया आपका ग्राउंड सरफेस, और यहाँ पे कुछ एंगल बना जिसको आपने क्या नाम दे दिया, मान लो अल्फा लिख लिया. ठीक है, अब बेटे आपने यहाँ पे एक रोलिंग, आप मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी है जिसका शेप है स्फेरिकल, है सिलेंड्रिकल शेप है. ठीक है, ये आपने एक बॉडी ले ली. ठीक है भाई, बात समझ आ रही है. बॉडी का जो वेट है ना वो हमेशा एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड. सो इस सिलेंडर का जो वेट है वो कैसे एक्ट करेगा भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है, बात बना रही है. अब बेटे मान लीजिए कि ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर अपना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डाउनवर्ड आ रहा है, कहां है डाउनवर्ड. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस प्लेट एनर्जी को टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इंक्लोड कर देते हैं. एक कंपोनेंट ये हो गया जिसके साथ थीटा इसने बनाया, तो दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और बेटे एक कंपोनेंट इसका ये हो गया एंड दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और इस बॉडी के वेट को जो बैलेंस करता है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन आर. एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा, और वेट को बैलेंस करने वाला कौन है, नॉर्मल रिएक्शन आर. जब बेटे कोई भी बॉडी फॉरवर्ड में जाएगा तो उसपे एक अपोजिट फोर्स लगता है, वो हमेशा होगा बैकवर्ड में, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो ये बॉडी रोल डाउन कर रहा है, डाउनवर्ड में आ रहा है, तो इसपे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जर्ट होगा बेटे वो कहां पे होगा, वो होगा इसपे डाउन बैकवर्ड. मेरी समझ में आ गया भाई, ये अपने पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी था जो रोल डाउन कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो इसपे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो बैकवर्ड में होगा, अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, वेट एम जी. बेटे मीनिंग आ रहा है समझ में. ठीक है, तो सबसे पहले आप डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, कंप्लीट जो भी आप डेरिवेशन सॉल्व करने जा रहे हैं ना वो इसी डायग्राम पे भेज दिया, कंप्लीट डेरिवेशन इस डायग्राम पे है. ठीक है, तो बेटे यहां पे मैं राइट कर लेता हूं, ध्यान से सुनना. लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर डाउनवर्ड में आ रहा है ऑन एन इंक्लाइंड
का सेकंड ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स कौन सा है, एम जी साइन थीटा। भाई डाउनवर्ड में आ रहे हैं ना, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेटे ये है अप्लाइड फोर्स, एम जी साइन थीटा फॉरवर्ड कंपोनेंट, और दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सो देखो एफ अपना किसके बराबर हो गया भाई, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और बेटे माइनस में क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बेटे मैंने कहा रहा समझ में, आप बस कंप्लीट फोकस बोर्ड पे रखिए। ठीक है, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, बेटे जैसा क्या होता है, टोर का अपना किसके बराबर होता है, टोर का अपना होता है एफ क्रॉस आर के। टोर किसके बराबर होगा, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज सेड टू बी टोर। मान लीजिए कि आपका सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, सिमिलर वे में आप एज वी नो दैट टाउ ऑर्बिट किसके बराबर होता है, आई एल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर। बेटे ये रिजल्ट अपने पास नॉन है जिनको हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, टाउ होता है एफ आर, टाउ होता है आई एल्फा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, इक्वेट सेकेंड और थर्ड को, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, देखो बेटे जब आप सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो बेटे यहाँ पर ये जो फोर्स है ना, ये अपना कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ध्यान रखिए एफ आर। तो बेटे यहाँ से अपने पास जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो एफ आर अपना एफ क्रॉस आर किसके बराबर होगा, आई एल्फा। तो बेटे एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एल्फा डिवाइडेड बाय आर। मैंने कहा ऐसा है भाई, ठीक है। अब बेटे जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, बट बेटे आपने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू आर एल्फा। तो बेटे यहां से किसकी वैल्यू निकाल लें, एल्फा, एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाय आर। ठीक है, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। एफ अपना किसके बराबर हो जाएगा, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटे, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, इक्वेशन फोर से आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो भाई यहां पे आप पुट करेंगे तो बेटे अपने पास रिजल्ट क्या बनेगा, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है बेटे, माइनस एफ, और एफ की वैल्यू आपके पास क्या है, आई ए अपॉन आर स्क्वायर, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। बेटे मीनिंग आ रहा है समझ में, एफ की वैल्यू अपने पास क्या होगी, आई ए आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों करना क्या है, यहां से आप m कॉमन ले लो, बेटे ध्यान से सुनना, यहां से आप m कॉमन ले लो, यहां से जब आप m कॉमन लेंगे, m यहां से कॉमन लिया तो यहां पे बचा d साइन थीटा। ठीक है, माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर। तो बेटे यहां पे आप नहीं जाते, डिवाइड में क्या चला जाएगा, एम आर स्क्वायर। मीनिंग आ रहा है समझ, बेटे m से m हो जाएगा कैंसिल आउट, सो a इक्वल टू क्या बचाओ, साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन एम आर स्क्वायर। बेटे यहां पे मीनिंग अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, एम हमने कॉमन लिया, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ए की वैल्यू ये बची। अब करना क्या है, इस आई ए को इस साइड ले आओ, तो बेटे ए प्लस आई ए बाय एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा। बेटे मीनिंग क्लियर, इन दोनों में से एक कॉमन आ गया, एक कॉमन आया तो क्या बचा, वन प्लस आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा। बेटे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन यहां से क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस आई अपॉन
ये होगा रिजल्ट फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस आई बाई एम आर स्क्वेयर, ठीक है बेटे। कोई बच्चा कभी एम आर स्क्वेयर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दे, ऐसा भी नहीं करना है आपको, अभी रिजल्ट इस तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है बेटे। एक्सेलरेशन में फाइंड आउट कीजिए, फिर हम यहां से फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से एक बार यहां पे इसको नोट कीजिए, कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, ठीक है बेटे। अच्छे से समझ के कीजिए इसमें आप, आपके पास सोलिड सिलेंडर होगा, सोलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स होता है,
ठीक है बेटे। सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यहां पर मैं राइट कर देता हूँ स्पेशल केस, स्पेशल केस फॉर सॉलिड सिलेंडर। बेटे सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होता है एम आर स्क्वायर बाय, ठीक है। अब सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका एम आर स्क्वायर बाय टू है, इस वैल्यू को आप पुट कीजिए फर्स्ट एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन क्या बनेगा जी साइन थीटा बाय वन प्लस, बेटे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाय टू और एन में क्या था एम आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो एक्सेलरेशन क्या मिला आपको जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस हाफ, तो बेटे कितना हो जाएगा थ्री बाय टू, थ्री बाय टू। सो वी कैन से राइट हेयर एक्सेलरेशन बिकम टू बाय थ्री जी साइन थीटा, मीनिंग क्लियर बेटे। अगर आप किसी सॉलिड सिलेंडर को रोल डाउन कराएंगे इंक्लाइन प्लेन पे तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा टू बाय थ्री जी साइन थीटा। बेटे रिजल्ट अच्छे से माइंड में रखना, इनपे भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देखो बेटे ध्यान से, इसी का जो सेकंड केस आप बनाएंगे वो निकालेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू, बेटे यहां पे वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू क्या पुट करनी है एम आर स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा बाय वन प्लस एम आर स्क्वायर बाय टू एम आर स्क्वायर, ठीक है बेटे बात समझ आ रही। अब देखो बेटे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर, सो एफ अपने पास क्या बन जाएगा एम बाय टू, एम बाय टू और बेटे इसका कितना आया था टू बाय थ्री जी साइन थीटा, टू से टू कैंसिल हो गया और बेटे एफ अपने पास क्या बन जाएगा वन बाय थ्री एम जी साइन थीटा, ये आपका होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बात समझ, ठीक है। अब इसी रिजल्ट से यदि आपको निकालना पड़े कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, बड़े ध्यान से सुनना, अगर इसी में आपसे पूछा जाए व्हाट इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन तो आप कह सकते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बेटे इसका सिंबल होता है म्यू, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू अपना होता है एफ बाय आर, ठीक है। बेटे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है एम जी साइन थीटा बाय थ्री और आर की वैल्यू क्या है बेटे आर की वैल्यू डायग्राम से देखो आर किसको बैलेंस कर रहा है आर कॉस थीटा एम जी कॉस थीटा को एम जी कॉस थीटा, तो बेटे एम जी से एम जी कैंसिल आउट वन बाय थ्री साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, सो बेटे रहेगा वन बाय थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू, बेटे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको अगर फाइंड आउट करनी हो तो क्या होगा वन बाय थ्री टेन थीटा, ठीक है ठीक समझ में आ गया। तो बेटे इस क्रिस्टल केस काफी इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एक ही कंसेप्ट को अच्छे समझना है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो मेरे से डिस्कस कीजिए, ठीक है। and
से हमको स्टडी करना है, काफी इंपोर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है। फिर भी इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक कंप्लीट करना है आपको सारे जो भी टॉपिक्स आपको करा दिए हैं उनको अच्छे से आपको स्टडी करना है, ठीक है। दूसरा बेटे क्लियर कर देता तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के केसेस हैं, जैसे आपने रिजल्ट फाइंड आउट किया भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एमआर स्क्वायर बाय 2। तो बेटे जब आप उसमें देखेंगे ना तो उसमें रोटेशनल मोशन में दो टॉपिक्स आपको और मिलेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। बेटे एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, उस 30% सिलेबस में आपका जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और उनके एप्लीकेशन उन सभी को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। अकेडमिक ईयर 2021 के लिए आपके जो टॉपिक्स हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और उनके एप्लीकेशन वो सभी परसेंट में नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से वो टॉपिक्स हमने यहाँ पे सोल्व भी नहीं किए ना ही हम कब करेंगे, ठीक है बेटे, बात समझ आ रही है। तो वो टॉपिक परसेंट ईयर के सिलेबस में नहीं है भाई, क्योंकि रिजल्ट के पता कैसे ये आया कैसे, तो बेटे बता देते हैं वो रिप्लेस कर दिए गए हैं इसका, ठीक है। तो अब बस ओनली आपको ये टॉपिक सीखते हैं, ठीक है। तो बेटे इन टॉपिक्स को अच्छे से आप स्टडी कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे तो फिर से आप डिस्कस, ठीक है। नोट डाउन करिए।